सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया है कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, ओके? तो इस वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है फ्रेंड्स, ओके? तो अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बाई करो जो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज करो, जिसकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट हो, ओके, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं अपने वीडियो में आपको प्रोडक्ट के बेस्ट और बैड फीचर्स दोनों बताता हूँ, दोनों का रिव्यू करता हूँ फ्रेंड्स, ओके? सो अगर आप चाहते हो कि आप एक बेस्ट प्रोडक्ट बाय करो तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और चैनल पे नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, कोई भी इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ फ्रेंड्स, ओके? सो सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इस लैपटॉप का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये आपको बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इसको स्टडी के लिए बाय कर सकते हो कि नहीं बाय कर सकते हो, या फिर आपकी जनरल शॉप है तो उसके लिए इसको आप बाय कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, या फिर आप जॉब करते हो, ऑफिस वर्क करते हो तो उसके लिए आपको ये बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए, या फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कोडिंग के लिए बाय करना चाहते हो तो ये कैसा होने वाला है, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे फ्रेंड्स। सो प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ फ्रेंड्स। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना फ्रेंड्स, ओके? तो आपको देखने को मिला कि इसका लुक काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। और मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं एक नया यूट्यूबर हूं, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए सो डैट मेरा थोड़ा सा चैनल और ग्रो हो जाए, देयर आफ्टर मैं भी प्रोडक्ट को बाय करके रिव्यू अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दूंगा फ्रेंड्स। और मैं किसी भी ब्रांड से कोई भी कमीशन नहीं लूँगा, कोई भी घूस नहीं लूँगा, कोई भी चीट नहीं करूंगा आपके साथ, आपको रियल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए, कि आपको कोई भी प्रोडक्ट कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, उसमें कितने सारे आपको बेस्ट कितने सारे बैड फीचर्स देखने को मिलेंगे, इसका मैं रिव्यू करूंगा फ्रेंड्स। सो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ओके? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखने को मिला कि इसका लुक आपको काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाता है, फ्रंट पे कैमरा भी देखने को मिल जाता है, ओके? और फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप ये बाय करना चाहते हो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, ओके, या फिर आप इसको जॉब के लिए जॉब करते हो, आप इसको ऑफिस वर्क के लिए बाय करना चाहते हो, या फिर आपकी जनरल शॉप है उसके लिए आप इसको बाय करना चाहते हो, तो आपको ये बाय नहीं करना है, ओके? आपको देखने को मिला है कि इसका लुक काफ़ी स्मॉल है, ओके, काफ़ी स्मॉल लुक में ये आपको देखने को मिल जाता है, ओके? और इसमें आपको 4 GB का रैम और 64 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो आपको एक फ़ोन में ही देखने को मिल जाता है। तो ये बस फ़ोन के जैसा ही वर्क करेगा, इस पर आप ऑफिस वर्क के लिए इसको बाय नहीं कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कोडिंग वगैरह के लिए ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स, ये हैंग करने लगेगा, ओके? तो उसके लिए ये आपको बाय नहीं करना है। ये असुस ब्रांड का है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये देखो, और इसका जो वेट होने वाला है 1.5 kg, ओके? तो 1 kg प्लस का ये लैपटॉप होने वाला है फ्रेंड्स, ओके? और इसमें ज़्यादा आपको जैक भी नहीं देखने को मिलेंगे, ओके? कितने सारे जैक देखने को मिलेंगे, क्या क्या देखने को मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसका थोड़ा सा टच पैड आपको कंपेयर देन अदर लैपटॉप से यूनिक देखने को मिलेगा, लाइक नंबर वगैरह इस पर देखने को मिल जाएंगे, ओके? तो ये आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, नंबर पैड देखने को मिल जाएगा, ओके? ये देखो, और इसका जो बैटरी का बैकअप होने वाला है वो 7 से 8 घंटे का बैटरी का बैकअप होने वाला है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिला 12 घंटे लिखा हुआ है, बट इतना ये नहीं चलने वाला है, 6 से 7 से 8 घंटे का ही बैटरी बैकअप होगा, 8 आवर्स से ऊपर नहीं जाने वाला है, ओके? अब इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं ये कुछ जैक देखने को मिल जाते हैं, USB का, HDMI का, USB का देखने को मिल जाता है, ओके? और आपको इसमें IDO का भी देखने को मिल जाता है, लाइक जिससे आप AUX केबल जिसको कहते हो उसका भी आपको जैक देखने को मिल जाता है, ओके? और यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर देखने को मिल रहा है, अगर आपको कुछ कोई भी सपोर्ट चाहिए तो कस्टमर केयर से बात करनी है तो ये नंबर आपको शो हो रहा है, आप कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके मॉडल नेम की, ओके?
तो फ्रेंड्स इसका जो मॉडल है मैं जैसा आपको देखने को मिला असूस ई बुक ओके 12 सेलेरॉन डुअल कोर ओके, तो ये इसका मॉडल है मैं, इसमें आपको 4 GB का रैम 64 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, विंडो 11 वर्क करने वाली है और इसका जो स्क्रीन का साइज होने वाला है 11.6 इंच का होने वाला है, मीन्स 11.6 का होने वाला है स्क्रीन का साइज़। तो MRP की बात करें 16,990 रुपये देखने को मिल रही है, बट मैं आपको बता दूँ 15,500 से लेके ये 16,500 के अराउंड में ही आपको मिल जाएगा और इसकी MRP प्लस माइनस होती रहती है, ये कोई एग्जैक्ट MRP नहीं है फ्रेंड्स ओके। तो मैं तो आपको यही चीज़ सुजेस्ट करूँगा कि आप इसको बाई मत करो, अगर आप इसको बाई करते हो तो ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा ओके, ये देखो ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा ओके। तो अगर आप एक अच्छा लैपटॉप बाई करना चाहते हो तो ये 15-16 हज़ार रुपये का मिल जाएगा, इसी में आप 5-6 हज़ार रुपये और ऐड कर सकते हो, आप लिनोवो का एक असूस का भी और भी अच्छे आते हैं ओके, डेल का बाई कर सकते हो, लिनोवो का बाई कर सकते हो और भी बहुत से ब्रांड के लैपटॉप आते हैं जिसमें आपको 8 GB का रैम 1 TB का स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा और उससे आप कोई भी वर्क कर सकते हो, स्टडी के लिए भी बेस्ट होगा ओके, और ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब ऑफिस वर्क के लिए आप बाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी बेस्ट होगा, या फिर आपकी जनरल शॉप है उसके लिए भी बेस्ट होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं यही आपको सुजेस्ट करता हूँ कि इसमें आप अपने 14-15 हज़ार रुपये मत फंसाओ ओके। अगर आपको बाई करना है तो आप कोई सेकेंड हैंड बाई कर सकते हो, OLX के थ्रू बाई कर सकते हो, बट आपको बाई करने से पहले उसको अच्छे से चेकआउट कर लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि लोग चीट करते हैं ओके, तो इस चीज़ को भी आपको माइंड में रखना है ओके। अगर आपके पॉकेट में कम बैलेंस है तो आप सेकेंड हैंड बाई कर लो, बट ये बाई मत करना क्योंकि आप इसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम यूज़ नहीं कर पाओगे, इसमें आपको 4/64 का स्टोरेज देखने को मिल रहा है ओके, और वेट भी ज़्यादा नहीं है तो इतना अच्छे से ये वर्क नहीं कर पाएगा ओके। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करता हूँ, अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट है, क्यूरी है, कंफ्यूजन है, कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका आंसर वहीं पे करूँगा फ्रेंड्स, अदरवाइज़ उस पे भी एक वीडियो बना दूँगा ओके। तो ये वीडियो इतना ही है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और ये आप बाई मत करना मेरे अकॉर्डिंग, आई थिंक यही आपके लिए अच्छा होगा। गुड लुक ऑफ जय हिंद।